ज्ञान भी होना बड़ा मुश्किल है। ये सरल है वो जो कृष्ण भगवान है और कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ, ये बड़ा सिंपल ज्ञान है। बाकी ये इतना ही दुर्भाग्य है जो वो समझते है ये क्या भगवान, मैं भगवान, उसको क्या हम नमस्कार करें। ये सब मंदिर में नहीं जाते, वृंदावन में हजारों मंदिर है, ये जो अपने को भगवान समझने वाला है कोई दर्शन करने को नहीं जाए, वो समझ हम तो भगवान है, हम कोई मंदिर में क्यों जाए। इसलिए भगवान कहते मनुष्यानाम सहस्र, ये जो ज्ञान है ये भगवान कृष्ण स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी वैकुलम लोके मिलंती विदुः। तो ये ज्ञान होना भी बहुत सौभाग्य का विषय है, जिसका सौभाग्य नहीं है ये ज्ञान नहीं होता, मामूली ज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि यही है जो अपने को समझना, व्हाट आई एम, ये इसका नाम सिद्धि है, ब्रह्मज्ञान। तो ब्रह्मज्ञान लाभ करने के विशेष करके आज का कौन ब्रह्मज्ञान लाभ करने को जाता, ये ज्ञान लाभ हो जाए जो 200-500 हजार रुपया कमा ले और मजे से रहे, यही ज्ञान लाभ करने के सब स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं। और ब्रह्मज्ञान लाभ करने के लिए कौन जाता और कौन सिखाता भी है? इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्र, सब जाते हैं पेट का पालने के ज्ञान के लिए जाते हैं, और ब्रह्म ज्ञान कौन करता। इसलिए कहते मनुष्यानाम सहस्र, सब कुत्ता भेड़ी जैसा ज्ञान लाभ किया है, किस तरह से पेट पालना है वो ज्ञान लाभ करने को चाहते। इसलिए शास्त्र में मना करते हैं जी, ये ज्ञान लाभ करने के लिए दिन भर परिश्रम करने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं है। नायांग देह देह बाजान निलोके कष्टान कामान अरहति भी भुजान, ये जो इतना तकलीफ उठा करके दो रोटी के लिए दिन भर परिश्रम करना और इंद्रिय तत्पन्न करना, ये कोई मनुष्य जीवन का काम है क्या? मना कर नहीं, अयंग देह निलोके, ये तो कुत्ता भाई करते हैं। तो इसलिए कहते हैं मनुष्यानाम सहस्र, कोई इंटरेस्टेड है? विशेष करके कलियुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुतः, वेरी वेरी स्लो। तो इसलिए भगवान कहते हैं जे ये जो भगवत तत्व ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, ये सबके लिए नहीं है। मनुष्यानाम सहस्र कश्चित् जगति सिद्ध, और सिद्ध भी हो गया, ब्रह्म ज्ञान भी लाभ हो गया, तब भी भगवान को नहीं समझ सकते। जतताम भी सिद्ध्यानाम, जो कि सिद्धि लाभ किया इस प्रकार व्यक्ति, वो भी कृष्ण को समझ नहीं पाते। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जगति सिद्ध, जतताम भी सिद्ध्यानाम कश्चित् व्यक्ति मान, तात्विक नहीं जानते। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं किस तरह से भगवान को तात्विक समझ में आएगा, खुद बता रहे हैं। तो हम लोग साधारणतः ये भौतिक वस्तु को समझते हैं, ये जो जमीन है भूमि रापा नलो बाहू, बड़े बड़े सब एक्सपर्ट साइंटिस्ट सॉयल एक्सपर्ट देखता है इस जमीन में क्या पैदा हो सकता है, इस जमीन में क्या चीज है, सोना है कि कोयला है, ये सब स्टडी साइंस, होल साइंस विज्ञान, दुनिया में जो विज्ञान चलता है ये सब भौतिक वस्तु का अध्ययन करते हैं। इसलिए भगवान पहली भौतिक वस्तु का उत्थापन किया कि भूमि रप अनल वायु, ये जो पंच तत्व है, भूमि है, अप पानी जो है, समुद्र है, और लैंड जमीन है, भूमि अप अनल, फिर अग्नि है, वायु बाताश और आकाश, ये सुख जड़ से सुख नहीं तो सूक्ष्म से जड़ होता है, तो इसमें ऐसे भी सूक्ष्म जो है आकाश से सूक्ष्म है मन और अहंकार, ये सब विचार जो है ये भगवान बताते, ये सब जो चीज है भौतिक चीज, भूमि रप अनल वायु खंग मना बुद्धि रेवत,
बुद्धि भी इंटेलिजेंस ये भी भौतिक है, मन भी भौतिक है, आकाश भी भौतिक है, ये सब भौतिक है। अहंकार और अहंकार, अहंकार जो वृथा और झूठ अहंकार, ये जो भौतिक जगत में हम लोग है, ये शरीर भौतिक जगत में हमको मिला है, मैं समझता है कि मैं इंडियन है और दूसरे कोई समझता है हम अमेरिकन है और कोई समझता है ब्राह्मण है, कोई बोलता है हम क्षत्रिय है, ये जो सब अहंकार है ये झूठ अहंकार है। असल अहंकार है अहं ब्रह्मास्मि। ये जो अहंकार है शरीरगत अहंकार, ये वृथा अहंकार, ये असल अहंकार नहीं है। तो ये अहंकार प्राकृत अहंकार, ये अप्राकृत अहंकार नहीं। अप्राकृत अहंकार है जो मैं भगवान का दास हूं, न तो हिंदू है न तो मुसलमान है न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है न इंडियन है न अमेरिकन है, अहं गोपी भक्तु पद कमलयो दास दासानुदास। ये चैतन्य महाप्रभु ने परिचय दिया था, यो मैं तो ब्राह्मण भी नहीं है और सन्यासी भी नहीं है और क्षत्रिय भी नहीं है और वैश्य भी नहीं है, शूद्र भी नहीं है, नहीं है नहीं है, जो चार आठ वर्णाश्रम विचार है वो चैतन्य महाप्रभु सब अस्वीकार किया, ये सब हम कुछ नहीं। अहं ब्रह्मास्मि इसका अर्थ चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो फिर आप है कौन, ये सब में दे दिया है नहीं। तो उसका जवाब में भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, ये गोपी भक्तो जो गोपियों को भरता है उसको जो पालन करते हैं उनसे जो संपर्क है भगवान कृष्ण, उनके दास के दास के दास के दास के 100 times सारी गोपी भक्तो पद कमल ओ दास दासानुदास, ये वैष्णव का परिचय है। जो भगवान का दास है वो डायरेक्टली इमीडिएटली भगवान को दास होने के लिए वो प्रयास नहीं करते हैं। तो दास का दास अनुसार प्रहलाद महाराज जब उनको नृसिंह से वर देने मांगा, बेटा तो बहुत कष्ट सहन किया अब लो जो चाह, तो वो प्रहलाद महाराज यही बताया था कि महाराज आप तो देने वाला है ही है और हम असुरकुल में जन्म ग्रहण किया है, वो हमारा स्वभाव यह है मांगने का, और ले और ले और ले, ये आप देने को चाहते हैं और हमारा वंश पुराण से केवल संग्रह करना, ये तो बड़ा संयोग हो गया, बाकी ये चीज हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम देख चुका है हमारा पिताजी जब कोई क्रोध हो जाता है तो देवता लोग भी डर जाता था। ये संपत्ति ये प्रभाव आप 1 second में खत्म कर लिया, तो ये सी चीज क्यों हम मांगे जो 1 second में खत्म हो सकता है। यदि आप हमको कृपा करने को चाहते हैं तो आपका जो दास है उसको नौकर हमको बना दीजिए, ये कल्याण महाराज प्रार्थना। तो ये हम लोग का प्रार्थना है, गोपी भक्त पद कमल दास दासानुदास, ये चैतन्य महाप्रभु यही वैष्णव परंपरा का शिक्षण है। तो कहने का मतलब जो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित जगत सिद्ध है, सिद्ध सिद्ध माने जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न है उसको सिद्ध बोला जाता है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जो वास्तविक सिद्ध हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान लाभ किया उसको प्रसन्न आत्मा, आत्मा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसका जो असल आइडेंटिफिकेशन है क्या वस्तु है उसको ज्ञान हो जाता है। अभी तो ब्रह्म है, मैं शरीर है, मैं ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय है, मैं इंडियन है, ये तो सब इल्यूजन है, ब्रह्म है। असल ज्ञान जब हो जाता है अहं ब्रह्मास्मि तो प्रसन्न आत्मा, फिर उसका कुछ सोचो। प्रसन्न आत्मा का अर्थ क्या, न सोचती न कांक्षती, उसको कोई सोचना भी नहीं है और आकांक्षा भी नहीं है। क्या चीज मान, सब तो भौतिक चीज है और भौतिक चीज से हमारा क्या मतलब है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कुंती जी भगवान को संबोधन क्या, अकिंचन गोचर, अकिंचन जिसका भौतिक संपर्क है नहीं, भौतिक जगत में जिसका कुछ मांगने का है नहीं, उसके लिए आप अकिंचन गोचर।
और चैतन्य महाप्रभु जी बताए एक जगह में कि भगवत भक्ति निष्किंचनस निष्किंचन भगवान निष्किंचन गोचर और इस प्रकार जो निष्किंचन है चैतन्य भाव निष्किंचन भगवत भजन उन्मुखस जो व्यक्ति निष्किंचन केवल भगवान को चाहते हैं निष्किंचन भगवत भजन उन्मुखस पारंग परंग जिगिमिशो भवसागर इन भवसागर का उधर जाने को चाहते इधर नहीं रहना चाहते उसके लिए विषय नाम संदर्शनम अतजुषितांच हा हंत हा हंत विषभक्षणादपि असाधु ये सब शास्त्र में है। तो ये ब्रह्मभूत होने से फिर वृथा अहंकार नहीं रहता जो मैं ये है मैं ये है ये नहीं वो समझ जाते हैं केवल ब्रह्म ज्ञान होने से नहीं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु Shuniha Saparaj